नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो अब सतर्क हो जाइए, अपने मोबाइल को अलर्ट मोड पर डाल दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद यानी 23 नवंबर से पहले या 23 नवंबर के बाद आपको 5000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली। ये वैकेंसी जो है राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर निकलने वाली। इसमें कुल 5000 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसमें कॉन्स्टेबल के पद पर पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है एक महीने तक चलेंगे। वहीं इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट जो है requirement2.rajasthan.government.in है। वहीं इसकी योग्यता की बात करें तो कांस्टेबल के जीडी पद की योग्यता जो है आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें जो है आपको वहीं RSSC MBC बटालियन के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10वीं पास एवं 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। वही हम आयु सीमा की बात करें तो कांस्टेबल GD के पद पर पुरुष की उम्र जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की 18 से 26 साल। वहीं कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो इसमें पुरुष को जो है 18 से 26 साल होना होगा। वहीं महिलाओं को 18 से 31 साल का होना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2020 से आयोग की गणना की जाएगी। वहीं परीक्षा शुल्क की बात करें तो समान आर्थिक पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग को 400 रुपये लगेंगे। वहीं SC ST केवल राजस्थान के मूल निवासी को 350 रुपये लगेंगे। वही हम समान आर्थिक पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग के आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है उन्हें भी 350 रुपये लगेंगे। हम सैलरी की बात करें तो 2 साल तक ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को जो है 14,600 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। करते हैं इसके परीक्षा विवरण की तो एडमिट कार्ड जो है आपको ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसकी परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। वहीं इसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगी। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 अंकों की ली जाएगी। इसके साथ ही 10 नंबर विशेष योग्यता के लिए भी दिए जाएंगे। इस परीक्षा का समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राज्य में रहने वाले SC ST OBC के आवेदकों को समान श्रेणी में ही गिनती की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके फाइनल मेरिट की तो फाइनल मेरिट में भर्ती के लिए मेरिट जिला स्तर पर ही बनाई जाएगी। सबसे पहले निम्नलिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ किया जाएगा, उसके बाद मापतौल किया जाएगा। वहीं ड्राइवर पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा जो 15 अंकों का होगा। इन सभी परीक्षा में आए अंक के आधार पर जिला स्टेट पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी यानी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो उम्मीदवारों को सबसे पहले SSO ID कार्ड बनाना अनिवार्य है। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उम्मीदवारों को SSC ID कार्ड SSO.rajasthan.government.in पर जाकर आप अपना ID कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं इसका आवेदन requirement2.rajasthan.government.in पर जाकर आपको इसके आवेदन करने होंगे। तो ऐसे ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। धन्यवाद।